इस वाले वीडियो दे विच आपां क्लास नौवीं चैप्टर पंजवां यूकलिड की जमायती की जाण पछाण अभ्यास इस जो चैप्टर की एक ही अपने कोल 5.1 तो इस दे सवाल आपां डिस्कस करने हैं। तो ये ना वैसे थ्यूरी बेस्ड चैप्टर अपने कोल कि इहदे विच अपने कोल याद रखने वाले जां थ्यूरमस जां डेफिनेशन इहो जिहा कुछ ही है। तो हल करने वाले इहदे विच नमेरिकल काम आ जिहड़ा अपने कोल संख्यावां नाल रिलेटड वह बहुत ही इहदे विच घट बल्कि है नहीं गा वो काम। ठीक है, तो डेफिनेशन ही ये याद करने वाली ही है, तो यही आप कर देना। तो यह सवाल करने तो पहला कुछ के कंसैप्ट जिहड़े कि आपको पता होने चाहिए आ, वो तुसी कॉपी के उपर नोट करने हैं। सब तो पहला अपन डेफिनेशन जो सत्त डेफिनेशन जिहड़ियां आपको क्लीयर होनिया चाहिए। तो फस्ट सब तो पहला हैगी है बिंदु की डेफिनेशन, इसनों बोलते हैं पॉइंट। तो एक पॉइंट की हुंदा जिसका कोई भाग नहीं हुंदा। तो कहने का मतलब यह है कि एक बिंदु जिहड़ा हुंदा अपने कोल उहदे विच ना तां उसकी लंबाई हुंदी है, लंबाई भी नहीं हुंदी, ना ही एक बिंदु की कोई चौड़ाई हुंदी है, ना ही उसकी कोई उचाई जां मोटाई हुंदी है। तो कोई भी उसकी लंबाई चौड़ाई उचाई जां मोटाई कुछ नहीं हुंदी बिंदु की जिसका कोई भी भाग नहीं हुंदा। उन्हों आप बिल्कुल बरीक तो बरीक जिमें एक इतने आप नोक नाल एक लाता बिंदु, तो यह की हो गया बिंदु। नैक्सट हैगा कि एक रेखा चौड़ाई रहत लंबाई हुंदी है, तो रेखा नूं आप इंग्लिश बोलते हैं लाइन। तो एक लाइन है जिहड़ी आप उसनूं कहांगे जिसकी कल्ली की हुंदी है लंबाई। ठीक है, ना तो रेखा की कोई चौड़ाई हुंदी है ना ही कोई उचाई हुंदी है। ठीक है, यह गल तुहानूं क्लीयर होनी चाहिए है। एक रेखा दे सिरे बिंदु हुंदे हन, वो कहिंदे कोई भी आपां इत्थे एक रेखा खिंच दिंदे आ तां जिहड़े इहदे आह अखीरले आ सिरे आ इह की हुंदे आ बिंदु हुंदे आ। इहनां दे कहिण दा मतलब इह आ सिद्धी रेखा दी डेफिनेशन की है, एक अजिही रेखा जो खुद ते बिंदुआं दे नाल पद्धरे रूप नाल स्थित हुंदी है। तो आपां उह कहिंदे सिद्धी रेखा किहनूं कहांगे, इस नूं बोलिया जांदा सिंपल लाइन जां सरल रेखा, कि जिहड़ी रेखा अपने कोले बिंदुआं नाल सीधी पद्धरे तौर पर मिलती है उन्हूं की बोलिया जांदा सीधी रेखा। नैक्सट हैगा सतह, सतह नूं इंग्लिश दे विच बोलिया जांदा सरफेस। तो सतह की है, एक सतह वह है जिस दी सिर्फ लंबाई ते चौड़ाई हुंदी है। हुण जिहदे कोल अपने कोल लंबाई भी होवे ते चौड़ाई भी होवे उहनूं आपां की बोलांगे, एक सरफेस, जां उहनूं की बोलांगे एक सतह। जिवें आ कॉपी दा एक पेज है अपने कोल इहदी लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो इहनूं आपां की बोलांगे एक सतह। नैक्सट हैगा किनारे, कि सतह दे किनारे रेखावां हुंदे हन। जिवें अपने कोल हुण कह लिया आपां सतह की हुंदी आ, एक पेज नूं आपां कहता, तो इहदे किनारे देखो आ जिहड़े इहदे किनारे आ इह वाले एक आह दो इधर तीन ते आह चार, आह चार वो किनारे अपने कोल उह की कहिंदे आ इह की आ रेखावां। तुसीं खुद भी देख लो यह की एक लाइन नूं रीप्रजेंट करते पे आ। नैक्सट हैगा कोण, कोण वह आकृति है जिहड़ी दो किरणां नाल बनदी है अते जिस दा एक सांझा आरंभिक बिंदु हुंदा है। तो आपां एक डेफिनेशन कीती सी कि किरण दी, वह भी तुसीं लिख लो अठवीं डेफिनेशन किरण, इहनूं इंग्लिश दे विच बोलिया जांदा रे। तो किरण की हुंदी आ, वह वाली रेखा, वो रेखा जिस दा आरंभिक बिंदु हुंदा है, आरंभिक बिंदु हुंदा है पर अंत वाला बिंदु नहीं हुंदा, पर अंत वाला बिंदु नहीं हुंदा उसनू की बोलिया जांदा किरण। तो क्लीयर है ये चीज। हुण उह कहिंदे जदों दो किरणां नाल कोई भी किरति बनदी आ उसनूं की बोलिया जांदा कोण। जिवें आह वाली आपां आह कोई किरण आ एक जिहदा स्टार्टिंग पॉइंट तां हैगा इत्थों स्टार्ट हुई है शुरू हुई है, पर लास्ट वाला पॉइंट इहदा कोई भी है नहीं। आह तीर दा मतलब आ कि इहनूं अगे दी अगे आपां जिन्ना मर्जी वधा सकदे हां। हुण उह कहिंदे जदों दो किरणां नाल बणी किरति नूं की बोलिया जांदा कोण, जदों उहनां दा इक सांझा आरंभिक बिंदु हुंदा है, जदों वह जिहड़े स्टार्टिंग पॉइंट आ उन्हां दा एक सांझा बिंदु। जिवें एक किरण अपने कोले इस साइड चली गई एक इस साइड, तो आह दो किरणां दा की हो गया एक सांझा आरंभिक बिंदु
शुरू वाला पॉइंट दोनों का की है सांझा। ता करके जिहड़ी इत्थे किरती बनी आ आह वाली इहनू की बोलिया जाता कोण बोलिया जाता इंग्लिश दे विच इहनू बोलते हैं एंगल। तो ये डेफिनेशन सी अपने कोल 8 तुसीं इहनां नूं बड़े ही ध्यान दे नाल कॉपी दे उपर लिख के ही याद करना है क्योंकि ये वाली डेफिनेशन अगे क्वेश्चन दे विच अपने कोल बहुत ज़्यादा कम आउणगियां। इन्हां नूं तुसीं जिहड़ा याद करना इन्हां च ही अपने कोल MCQ 1-1 नंबर वाले बन सकते हैं। किवें बन सकते हैं जिवें उह कह देणगे कि एक बिंदु डैश है की है एक बिंदु जिसका कोई भाग नहीं हुंदा मतलब ना तो उहदी लंबाई हुंदी है ना चौड़ाई ना उचाई। रेखा की गल ही की हुंदी है एक लंबाई जिहदी लंबाई है ते चौड़ाई दो चीज़ां हुंदियां उहनूं की बोलदे आ सतह जिस दी लंबाई है ते चौड़ाई हुंदी है। तो ये वाली 8 डेफिनेशन तुसीं याद कर लईआं। ये 8 डेफिनेशन याद करन तो बाद एक होर आपां कंसैप्ट जिहड़ा करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसैप्ट ने उह जिस नाल अपना सारा चैप्टर ही जुड़िया होया है मोस्ट इंपॉर्टेंट ने। तुसीं अपनी जो पक्की कापी है उस दे उपर इस तरह करके इसका स्क्रीनशॉट पहला लै लो। इहनूं तुसीं की करना है बिल्कुल इस तरह ही पक्की कापी के उपर उतारना है तां कि तुहानूं जिहड़ा चैप्टर है ये याद करना आसान हो जाए क्योंकि जे तुहानूं ये चीज़ां की समझ लग गई तो क्वेश्चन तुसीं कर सकते हो। जे इन्हां चीज़ां की तुहानूं समझ ना लगी तो क्वेश्चन च तुहानूं की आऊगी प्रॉब्लम आऊगी समझण दे विच। तो सब तो पहला हैगा सर्वव्यापी सच। तो सर्वव्यापी सच अपने कोल मैथ दे विच ये हुंदे आ कि जिहड़ियां चीज़ां क्लीयर ही दिख रहीआं कि ये सही है सच है ठीक है इन्हां नूं बोलिया जांदा इंग्लिश दे विच यूनीवर्सल ट्रुथ। जिहड़ा आपां नूं देखण सार ही पता लगता कि ये बिल्कुल गल सच है। तो सर्वव्यापी सच नूं मैथ दे विच आपां दो भागां दे विच वंड लिया। आ स्वय सिद्ध अपने कोल की हुंदा उह कल्पनावां जिन्हां नूं गणित दी हर शाखा विच प्रयोग कीता जांदा। तो स्वय सिद्ध दे विच आपां उह धारनावां लैके चलदे हां उह वालियां डेफिनेशनां जां सच जिन्हां नूं आपां गणित दी हर शाखा दे विच प्रयोग करदे हां मतलब कि ज्योमैट्री दे विच अंक गणित दे विच अंकड़ियां दे विच हर जगह इह जिहड़ियां अपने कोल धारनावां उह वरतियां जांदियां। नैक्सट हैगा मूल धारनावां। तो मूल धारनावां की होंदियां उह कल्पनावां जिन्हां नूं केवल विशेष रूप विच जमायती नाल संबंधित हन तो जिहड़ियां जमैट्री नाल ही रिलेटड आ स्पैशली जां विशेष रूप नाल कल्ला की आ जमैट्री दे विच ही आपां इहनां नूं वरतदे हां। तो स्वय सिद्ध अपने कोल कुल 7 हुंदे आ मूल धारनावां कुल की है अपने कोल 5 आ जिन्हां नूं कि आपां इस चैप्टर दे विच पढ़ना है। जेकर तुहानूं इह 7 ते 5 12 इह धारनावां जां सर्वव्यापी सच आ जिहड़े ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਲਿਖੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ 12 ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਆ ਇਹ ਬੀ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸੀ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਬਰਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਏ ਬਰਾਬਰ ਬੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸੀ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਡੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ ਬਰਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਵੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਡੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਆ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 5 ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ 3 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 3 ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਵੀ 5 3 ਜੋੜ ਦਿਉ ਇੱਧਰ ਵੀ 5 3 ਜੋੜ ਦਿਉ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਇੱਧਰ ਵੀ 35 8 ਬਣ ਗਏ 5 3 8 ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ 8 ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
बराबर हो गए। नैक्सट अपने को तीजा जो पॉइंट हैगा, जे बराबर बराबर में घटाइए तो फिर बराबर होंगे। तो यही एग्जाम्पल आप दोबारा फिर ले लें कि पांच पांच के बराबर आते जो तीन आ तीन के बराबर आ। जो इन्हों बराबर बराबर चो घटाता भी पंजा चो तीन घटाते, इधरों भी पंजा चो तीन घटाते, तो पंजा चो तीन घटाए दो, इतों भी कि आ गया दो, ये फिर की आ गया आपस के बराबर आ गए। ठीक है, तो यही आप तीसरा पॉइंट अपना। नैक्सट हैगा चौथा, वह वस्तुआं जो एक दूजे नाल संपत्ति होण एक दूजे दे बराबर हुंदियां हन। तो इस पॉइंट का मतलब यह है चौथे का कि संपत्ति वस्तुआं वह हुंदियां कि जे आप एक वस्तु के उपर दूजी वस्तु रख दईए वह बिल्कुल एक दूजे नूं ढक लवे। जिवें अपने कोल आ पेज आ दो पेज आ अपने कोल, एक पेज आह वाला एक इहदे उपर पेज आ, इहने एक दूजे नूं पूरी तरह की आ ढक लिया। तो आप कहेंगे आह वाला पेज तो आह वाला पेज दोनों आपस के संपत्ति पेज आ। जो कहते कोई दो वस्तुआं पूरी तरह नाल एक दूजे को ढक लेंदियां तो वह दोनों की होंदियां, वह दोनों वस्तुआं जां वह दोनों पेज भी की होणगे आपस के बराबर होणगे। यही ये कहना चाहते हैं, वो आपको भी पता कि दोनों पेज की आ बराबर आ, बस इन्ना ही आ। पंजवां हैगा पूरन अपने भाग तो वड्डा हुंदा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। देखो जिवें अपने कोले कोई पूरा हिस्सा इत्थे किसी चीज़ का, कोई वस्तु आ इत्थे उहदा पूरा हिस्सा, उहदे विच्चों आह वाला छोटा हिस्सा, आ पूरे हिस्से नूं की कहांगे आपां सारे नूं पूरन, आ जिहड़ा छोटा हिस्सा इहनूं की कहांगे भाग। तो जिहड़ा उह कहिंदे कि पूरन हमेशा की हुंदा अपने भाग नालों की हुंदा वड्डा हुंदा है। ठीक आ, जिहड़ा पूरन हुंदा उह की हुंदा अपने भाग तो हमेशा की हुंदा वड्डा हुंदा है। कि जिहड़ा वड्डा अपने कोल पूरन सारा पूरा, पूरन दा मतलब की है कोई पूरी चीज़, भाग दा मतलब की है अपने कोल उस पूरी चीज़ दा एक हिस्सा। तो ये तो आपको पता ही है पूरी चीज़ हमेशा की होगी वड्डी, हिस्सा की होगा हमेशा छोटा। छेवां पॉइंट हैगा एक ही वस्तुआं दे दुगने एक दूजे दे बराबर हुंदे हन। एक ही वस्तुआं दे दुगने वो कहिंदे जिवें अपने कोल एक ही वस्तु का कोई भी आपां दुगना कर दईए वो की हुंदे आ आपस दे विच भी की होणगे बराबर होणगे। तो ये सी अपना पॉइंट नंबर सत्त, सॉरी छे पॉइंट नंबर, कि एक ही वस्तुआं दे दुगने एक दूजे दे बराबर हुंदे आ। जिवें एक वस्तु अपने कोल इत्थे ए आ, इहदा दुगना की होगा अपने कोल दो ए। इत्थे अपने कोल वस्तु हैगी आ कोई, फिर आपां कोई बी वस्तु ले ली, उहदा दुगना की होगा दो बी। आपां इह लै लिया भी ए किहदे बराबर आ बी दे, ये दोनों आपस के बराबर आ तो इन्हों के दुगने भी की होणगे आपस के बराबर होणगे। ये मतलब इसका सतमा हैगा एक ही वस्तुआं दे अद्धे एक दूजे दे बराबर हुंदे आ। हुण उह कहिंदे जे अपने कोल एक वस्तु आ इत्थे आह वाली, ठीक आ, इहदा अद्धा हिस्सा ले लिया आपां इन्ना, तो जिहड़े आह दो हिस्से बणे एक तां आह वाला हिस्सा एक आह वाला, एक ही वस्तुआं दे अद्धे, एक तां आह हिस्सा बन गया अद्धा एक आह बन गया। आपां पता है दोनों आपस के हिस्से की होणगे, दोनों एक दूजे के की होणगे बराबर होणगे। यही वो कहना चाहते हैं। तो ये अपने स्वय सिद्ध जिहड़े कि एग्जाम्पलों नाल आपां समझण की कोशिश की। नैक्सट हैगा मूल धारणावां, तो ये अपने कोल पंज आ। फस्ट है कि एक बिंदु तो एक दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खिंची जा सकती है। तो देखो एक बिंदु तो आह वाला एक बिंदु है, एक इत्थे आ, तो एक बिंदु तो दूजे बिंदु तक आप खिंच सकते हैं एक सीधी रेखा खिंच सकते हैं। इस तो बिना आप जे इन्हों होर तरह मिलाईए जिमें इतों मिलाया जां इस तरह मिलाया आप, तो ये अपने को सीधिया रेखावां नहीं होणगियां। दूरी किवें आपां मापदे आ, जिहड़ा अपने कोल की होवे घट तो घट डिस्टेंस होवे, घट तो घट दूरी होवे, वह किवें हुंदी है एक सीधी रेखा नाल। जिवें एक पॉइंट इत्थे आ एक इत्थे आ, तो इन्हां दोनों नूं आपां किवें जॉइन करांगे इस तरह। ये सी अपने कोल पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो हैगा एक शांत रेखा नूं अनिश्चित रूप नाल वधाया जा सकता है। तो एक अपने कोल शांत रेखा, आपां नूं पता
कि कोई भी रेखा जो अपने को हुंदी आ उन्हों आप दोनों साइड आ जिहड़ा जिन्ना आपां नूं जरूरत आ अनिश्चित रूप नाल अनंत तक की है उसनों दोनों पासों तो वधा सकते हैं, इधर नूं भी वधा सकते हैं तो इधर नूं भी वधा सकते हैं। तीसरा है किसी नूं केंद्र मन के किसी अर्ध व्यास का चक्कर खिंचया जा सकता है। वो कहिंदे कोई भी एक आपां इत्थे केंद्र मान लाँगे, कोई भी अर्ध व्यास मान लो तो आप प्रकार नाल उहदा कोई भी एक जिहड़ा चक्कर आ उह बना सकते हैं। तो यह भी गल क्लीयर आ। सारे समकोण एक दूजे के बराबर होंदे हन, तो समकोण का मतलब की हुंदा, समकोण का मतलब हुंदा अपने कोल 90 डिग्री का कोण। जिवें आह वाला एक 90 डिग्री का कोण, इत्थे आप आह वाला एक कोई मान लो 90 डिग्री का कोण। हुण जे इहनूं आपां इहदे उपर लिया के रखांगे ये दोनों कोण होणगे आपस दे विच बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों की है 90-90 डिग्री के। तो ये वाला चौथा अपना पॉइंट है कि सारे समकोण एक दूजे के बराबर होंदे आ। पंजवां है जे एक सीधी रेखा दो सीधिया रेखावां ते डिग के दो अंदरले कोण बनाउंदी है, वो कहिंदे एक सीधी रेखा दो सीधिया रेखावां ते डिग के, तो एक रेखा आ वाली है एक आह दो सीधिया रेखावां होगियां। हुण वह एक सीधी रेखा इन्हां दोनों के उपर डिगदी है तो की है, वह कहिंदे डिग के दो अंदरले कोण बनाउंदी है। तो अंदरले कोण एक तो इत्थे बन गया, एक आह बन गया, एक इधर एक आह साइड आ। उन्होंने गल की एक पासे वाली आप देखने, मान लो आह वाला पहला कोण आह वाला दूजा, आह दो अंतरले कोणों की गल करते पे है। दोवें कोणों का जोड़ मिल के दो समकोणों तो घट हो गए तो वह दोनों अनिश्चित रूप नाल वधाए जाते उस दिशा मिलदियां हन। तो बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो समझने वाली अपने को पंजवीं धारणा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। उन्होंने की कहा है कि जे अपने को अंतरले कोण आह वाला है, आ दो कोणा का जोड़ ले लिया, कोण एक जोड़ कोण दो, जे ये वाला अपने को 180 तो छोटा रह गया, दो समकोणा तो छोटा, देखो की लिखा वे दो समकोणा तो घट का मतलब की है, एक समकोण अपने को 90 डिग्री का होंगे, दो समकोण किन्ने डिग्री के हो गए 180 डिग्री के। वो कहिंदे जे दो एको पासे दे अंदरले कोणा का जोड़ 180 डिग्री तो घट हो गया तो जदों आपां इन्हां नूं गां इस तरह निश्चित रूप नाल वधावांगे ये गां किसे बिंदु ते जा के एक दूजे नूं की कर जाणगियां, घट जाणगियां। ठीक है, यही लिखिया वा कि जे आपां उन्हां नूं मिल के दो समकोणां तो उन्हां दा जोड़ घट है तो वह दोनों अनिश्चित रूप नाल वधाए जाते उस दिशा विच मिलदियां हन, तो उस दिशा दे विच की है वह आपस दे विच दोनों मिलनगियां। जिवें इत्थे कोण तीन सी, आह वाले कोण नूं चार कह लो, इन्हां दोनों का जोड़ आप मान लिया कि 180 डिग्री तो की आ वड्डा। ठीक है, इन्हां दोनों का जोड़ की है 180 डिग्री तो वड्डा। तो जदों 180 डिग्री तो वड्डा हो गया दो अंदरले कोणों का जोड़ तो इन्होंने आपस दे विच कदे भी जाके अगे नहीं मिलना। तो इधरले पासे वालियां दा कोणां दा जोड़ अपने कोल 180 डिग्री तो छोटा आ गया सी, तो इधरले पासे जाके ये दोनों रेखावां की आ वधाए जाते मिलने ना। तो यह सी पंजवीं अपने कोल मूल धारणा। तो इत्थों तक अपने जो भी इंपोर्टेंट कंसैप्ट सीगे हो जाते हैं। हुण देखते हैं इसते क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक दे विच लिखिया कि हेठ लिखियां विचों किहड़े किहड़े कथन सच हन अते किहड़े झूठ हन, अपने उत्तरां दे लई कारण दिओ। तो फस्ट हैगा भाग के एक बिंदु तो होकर सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है, वह कहिंदे एक बिंदु आ इहदे विचों आपां एक ही रेखा खिंची जा सकती है। देखो एक बिंदु दे विचों आपां इधर नूं भी रेखा लै गए, एक रेखा इधर लै गए, किसी ने इधरों लाइन खिंचती, किसी ने इस साइड तो, किसी ने होर साइड तो यह की हो गया कि एक बिंदु तो अणगिणत रेखावां खिंचियां जा सकदियां हन, अणगिणत रेखावां खिंचियां जा सकदियां हन, खिंचियां जा सकदियां हन। ठीक है, तो इहनूं आपां की कह दांगे, पहला की हो गया अपने कोले झूठ। तो इहदा एक कारण यह आ गया कि एक बिंदु तो आपां की कर सकते हैं, अणगिणत रेखावां एक बिंदु दे विच दी हो के जा सकदियां। नैक्सट अपने को दूसरा आ जाता क्वेश्चन, दूसरा पढ़ते हैं कि दो वख वख बिंदुओं विचों होके जाने वाली अनंत रेखावां हन। तो यह भी देखते हैं, दो बिंदु आ, दूसरा भाग आ गया, पहला भाग से
एक बिंदु आह एक आ ले लो मान लो दो वख वखे बिंदु आ इन्हां दे विच्चों होके जाण वालियां उह कहिंदे अनंत रेखावां वी इन्हां दे विच्चों अनंत रेखावां जांदियां तो देखदे आ एक लाइन तां इन्हां दोनों दे विच्चों दी आ चली गई होर आ दोनों पॉइंटां दे विच दी जांदी कोई रेखा है हुण आ पॉइंट दे विच दी इधर नूं कोई रेखा जा सकदी है इहदे चों इधर नूं जा सकदी है पर आ दोनों दे विच्चों कट्ठियां नूं जे आपां देखिए ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਕਰ ਰੇਖਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ तो ये अपना अपने कॉन्सैप्ट भी किया जे अपने को देखो एक शांत रेखा अनिश्चित रूप में वधाया जा सकता है तो यदा आप वीरवा दे देंगे कि आप जी मूल धारणा अपनी दूजी आकॉर्डिंग यह की आजगा तीजा अपने को सही क्योंकि एक रेखा जी अपने को इस तरह इन आप दोनों पासे आ जोड़ा अनिश्चित रूप न वा सकते हैं ठीक है नैक्सट आ गया चौथा जे दो चक्कर बराबर हैं तो उन्होंने अर्धव्यास बराबर होंगे तो यह आप दसना है सही आ जा गलत आ तो ये आप जो आपसी धारनावान उन्होंने देखो दो चक्कर आ जे वह कहें बराबर आ तो उन्होंने अर्धव्यास भी बराबर होंगे एक चक्कर आप इत बना लिया एक इत बना लिया दोनों आप मान लिया कि दोनों की आपस के बराबर आ तो हुण आपां इह दसणा कि इहनां दे जो अर्धव्यास आ उह वी आपस दे विच की होने चाहिए आ बराबर तो आपां कहा सीगा स्वै सिद्ध अपना चौथा वह वस्तुआं जो एक दूजे नाल संपाती होण हुण एक चीज़ तां आपां नूं पता कि जे एक चक्कर आ दोनों चक्कर एक दूजे दे बराबर आ तां जे एक नूं आपां दूजे दे उपर रख दांगे तां उह की कर लूगा उस नूं पूरा पूरा ढक लूगा जे पूरा पूरा ढक लूगा तो आप उन्होंने की कहा सी ए दोनों आपस दे विच की होंगे बराबर होंगे ठीक तो इस नूं आपां लिख दांगे कारण दे रूप दे विच हुण जे इहनूं आपां इहदे उपर रखता तो इहने पूरा पूरा एक दूजे नूं ढक लिया संपत्ति हो गई तो दोनों की होणगे आपस दे विच बराबर तो जिथे इहदा केंद्र आ उत्थे इहदा केंद्र आ तो आह लाइन की आ जूगी इहदे बराबर आह लाइन की आ अर्धव्यास तो अर्धव्यास भी दोनों के की हो जाएंगे आपस के बराबर तो ये आप कारण ये दे देंगे कि यूकलिड दे स्वै सिद्ध अनुसार की अपने को स्वै सिद्ध उहदा चौथा आप स्वै सिद्ध बिल्कुल उस तरह ही उतार देंगे जिवें लिखा वा की लिखा वा कि वस्तुआं जो एक दूजे नाल संपत्ति होण ये आपां तां लिख रहे हैं क्योंकि आपां नूं नाल उन्होंने की किया कारण लिखण नूं कहा है जेकर कारण लिखण नूं ना किया होवे फिर आपां नूं बिल्कुल सीधा सही लिख देंगे ये गल राइट आ एक दूजे दे बराबर हुंदियां हन बराबर हुंदियां हन तां करके की होया हुण अपने कोल कि जे दो वस्तुआं इत्थे की है दो चक्कर आपां रखदे हां इत्थे दो चक्कर संपत्ति हैं तां करके की होया उन्हां दे अर्धव्यास भी की होणगे बराबर होणगे जां उन्हां दे केंद्र आ जिहड़े आ केंद्र की होणगे एक दूजे दे संपत्ति होणगे वी एक दूजे नूं ढक लैणगे इहदा मतलब अर्धव्यास बराबर होंगे बराबर होंगे
तो इनू आप कह देंगे ये अपने को सच है, सच है। चौथा नैक्सट है पंजवा चित्र जे ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो आ थले दो तीन लाइन दिखाई वा, तो आप एक सब तो पहला ही किया स्वै सिद्ध उसके अपने को देखो ये दिता ए बी बराबर पी क्यू, तो ए बी कि बराबर आ एक्स वाई के बराबर भी है, सॉरी पी क्यू बराबर है एक्स वाई, तो आ वाला पी क्यू कि बराबर आ एक्स वाई के बराबर। तो इन दोनों तो आप सिट्टा कढ़ा कि जोड़ा ए बी आदे बराबर होगा एक्स वाई के बराबर भी होगा, तो ये की है सही है। ठीक है हुण सही है तो लिखता है कारण की लिखांगे, कारण है आप लिखांगे कि वो वस्तुआं जो एक ही वस्तु के बराबर होण एक दूजे के बराबर होंदियां हन, तो स्वै सिद्ध नंबर एक आप इहदे विच लिख देंगे, स्वै सिद्ध एक ये तुसीं खुद जिहड़ा लिखना है आ वाली पूरी डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है।